गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कोमल यादव। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंथेटिक इंडिकेटर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द नेचुरल इंडिकेटर, जस्ट लाइक आई हैव टोल्ड यू, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर विच आर यूजफुल फॉर जस्ट डिटरमाइनिंग दैट कि द सॉल्यूशन इज ईदर एसिड और बेस। ओके, फॉर दैट वी हैव डिस्कस दैट कि देर इज सो मेनी टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, जस्ट लाइक चाइना रोज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द हिबिस्कस फ्लावर। We are using it to find out the acid and base solution, means identify the acid and base solution. Next one is red cabbage and the last one litmus paper. Okay, after this we are coming, and one more thing I have left it, that is turmeric. Turmeric is also considered as a natural indicator. And now we are going to discuss about the second topic of the indicator point, means the second type, that is synthetic. This is also called the man-made or the artificial indicator, which is made by the men in the laboratory with the help of chemicals. Okay, chemical ke use se bana hua indicator ko hi bolte hain hum log synthetic indicator. The name itself representing itself, what is that synthetic? Synthetic ka matlab hi hota hai banaya hua. Okay, इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करने वाला कि जो भी हमारा सामने है वो एसिड है कि बेस है, यही हमें पता करना है. ओके, तो हमारा पहला ये है कि ये इंडिकेटर सिंथेटिक है. द सेकेंड थिंग, किससे बना है? केमिकल से बना है. एग्जाम्पल देखेंगे तो फिनोफ्थलीन होगा, फिनोफ्थलीन, यस, दिस इज फिनोफ्थलीन. अदर देन दैट मेथिल ऑरेंज, यस, मेथिल ऑरेंज. इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा थैमोल ब्लू. ये सब जो भी हैं, ये सब हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर. व्हाट इज द वर्क? वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस. व्हेन यू टॉक अबाउट द फिनोफ्थलीन, वेरी फेमस इंडिकेटर, व्हेन यू टॉक अबाउट द सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारे माइंड में पहला आता है वो है फिनोफ्थलीन. ओके, द बिग नेम फिनोफ्थलीन, अगर हटाएंगे तो फिनॉल थलीन. फो को साइड करते हैं, यानी कि थोड़ा साइलेंट होता है. ओके, फिनोफ्थलीन क्या होता है? फिनोफ्थलीन इज कलरलेस. जब हम उसको एसिड सोल्यूशन में डालते हैं तो वो कलरलेस देगा, एसिड सोल्यूशन के साथ कलरलेस, यस. और वेन वी आर गोइंग टू पुट इट इन टू द बेस, इट गोइंग टू शो द पिंक कलर, यस, इट्स गोइंग टू द शो द टर्न द सोल्यूशन इन पिंक कलर. इट शोज दैट दैट सोल्यूशन इज बेसिक. ओके, वेन वी आर गोइंग टू पुट द फिनोफ्थलीन इन एसिड, देर इज नो चेंज, मीन्स इट गोइंग टू शो द कलर, कलरलेस. पूरे सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? कलरलेस, बिकॉज जस्ट लाइक वाटर, कोई कलर नहीं होगा उसका. ओके, बट वी आर गोइंग टू पुट इट इन द बेसिक सोल्यूशन, वॉट विल हैपन? इट इज गोइंग टू टर्न द सोल्यूशन इन टू द पिंक कलर, पिंक कलर. ओके, नेक्स्ट इज दैट मेथिल ऑरेंज. मेथिल ऑरेंज का थोड़ा अलग होता है, जब भी हम एसिड सोल्यूशन में डालते हैं वो रेड कलर का देता है. विच कलर? रेड कलर, यस. एंड वेन वी आर गोइंग टू पुट दिस मेथिल ऑरेंज इन टू द बेस, इट्स गोइंग टू शो द ऑरेंज, ईदर ऑरेंज और येल्लो. ओके, इसको हम एसिड में डालेंगे तो ये रेड कलर देगा, और जैसे ही मिथिल ऑरेंज को वी आर गोइंग टू पुट इन टू द बेस, ईदर इट गोइंग टू शो द येल्लो कलर और ऑरेंज कलर. ओके, अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट थिंग इज, वन मोर इज लेफ्ट, दैट इज थाइमोल ब्लू. थाइमोल ब्लू इज ऑल्सो बींग लाइक दैट मिथिल ऑरेंज, बट हैविंग अ स्लाइट डिफरेंस. इट्स मीन दैट वेन वी आर गोइंग टू पुट द थाइमोल ब्लू इन टू द एसिड सोल्यूशन, इट्स गोइंग टू टर्न द सोल्यूशन इन रेड इन कलर. ओके, बट जस्ट लाइक मेथिल ऑरेंज, बट वेन वी आर गोइंग टू पुट इट द सेम थाइमोल सोल्यूशन इन टू द बेसिक मीडियम, इट गोइंग टू शो द इट्स टर्न द सोल्यूशन इन टू द ब्लू कलर, जस्ट लाइक द अदर इंडिकेटर इज गोइंग टू डू. जस्ट लाइक हमारा पहले हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है कि बेसिक सोल्यूशन में ये ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है और एसिड सोल्यूशन में रेड कलर में, बट इट इज़ अ सिंथेटिक वन, नॉट लिटमस पेपर, सिंथेटिक इंडिकेटर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टर्न टू नेक्स्ट पॉइंट और टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर,
दैट इज यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? नाम से इट्स शोज, प्रख्यात है कि यूनिवर्सल का मतलब होता है सभी जगह पर यूज करने वाला, पूरे यूनिवर्स में यूज करने वाला इंडिकेटर। बट मैं बता दूं कि यूनिवर्सल इसको क्यों बोला जा रहा है। रीज़न ये है कि हमारे पास अगर एक से ज़्यादा इंडिकेटर होता है, ओके, और हो सकता है कि दो इंडिकेटर या दो से ज़्यादा इंडिकेटर सभी क्या है, एसिड है, तो हमें पता कैसे चलेगा? जैसे हमें पता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग भी होता है, वीक भी होता है, हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर कौन सा वीकर एसिड है, या फिर वीक बेस है? ये पता करने के लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है? हमारा पहला टर्म उठ करके आता है इसमें, एक ही टाइप पे दिखाई देता है, वो है पीएच वैल्यू। जी हाँ, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू एक ऐसा स्केल होता है, या फिर कह सकते हैं पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच स्केल एक ऐसा डिवाइस कह सकते हैं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रेंथन है, यानी कितना स्ट्रॉन्ग है, ओके, कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, ये पता करने के लिए हम लोग पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ये पता कैसे करेंगे? उसके लिए वैल्यूज होता है। पीएच स्केल 1 से लेकर के 14 तक होता है, ओके। अगर एक स्केल बनाएं, आपके बुक में मेंशन है, ऐसे बनाएं, हर एक का अलग कलर दिया है, इसको तोड़ेंगे ऐसे बना है, मैंने ये ऐसे से बना दिया, ये रफली, बट यू हैव ट्राइड इट नाइसली ऑन योर कॉपी, ओके, व्हेन यू गोइंग टू मेक दिस पीएच कलर चार्ट, जब आप बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ओके। तो हम बात करेंगे पीएच स्केल की। इसमें सेंटर में जब भी कोई भी सोल्यूशन पीएच स्केल को डिप करने के बाद, ओके, उस पीएच वैल्यू उसकी 7 आ रही है, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट की पीएच स्केल को किसी सोल्यूशन में डालने पे उसका वैल्यू 7 आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल होता क्या है? न्यूट्रल मतलब ना वो एसिड है ना बेस है। यूजुअली हम लोग वाटर को कंसिडर करते हैं क्योंकि उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7। वैसे मैं आप लोगों के एक वैसे बताती हूँ, नॉर्मल बताती हूँ, पीएच वैल्यू यूजुअली अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूछेगा तो एक ही चीज़ का पूछता है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, दैट इज 7.4। दिस इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, लर्न इट इफ यू कैन, ओके। एंड वाटर का दैट इज 7, वाटर का पीएच वैल्यू 7, ये पूछता है। बट द थिंग इज दैट एसिड है कि बेस है पता करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम बता रहे सेंटर में यानी 7 आता है तो हम उसको न्यूट्रल बोलेंगे। इसका मतलब इसके पहले वाला कुछ और होगा, उसके बाद वाला कुछ और होगा। तो यस, इसके पहले जो भी होगा उसको बोलते हैं एसिड, ओके। 7 से पहले यानी कि 1 to 7 के बीच का अगर इधर होगा, यानी 6 point अगर यहाँ 9 है, जो भी है इसका वैल्यू अगर इन दोनों के इधर बीच आ रहा है, इधर 1 to 7 के बीच में, इसको बोलेंगे एसिड। जितना इधर जाएगा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते चला जाएगा, ओके। यानी कि 7 से जितना कम जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते चला जाएगा, इसके इधर क्या होगा? बेस, गुड। तो हम बात करेंगे 7 से इधर जितना भी होगा उसको बोलेंगे बेस, जितना इधर जाएगा उतना वो बेसिक होता चला जाएगा, ओके। अगर आप इंडिकेटर मिक्सचर पता करना चाहें किसी भी सोल्यूशन का, तो हमें क्या करना है, बस पीएच स्केल डालना है, जो भी कलर इंडिकेट करता है कलर को हम मैच करेंगे पीएच स्केल से, ओके। ये है, जैसे जैसे कलर शो करेगा उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू निकल जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि वैल्यू एसिड है या बेस है, और कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एसिडिक और बेसिक होता है। ये आपको चार्ट मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगी या फिर सेंड कर दूंगी जब आपको लर्न करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बड़ा हो गया।